हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू चेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। डिविजिबिलिटी बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब, अगर किसी नंबर को चेक करना है जो डिविजिबल बाय 3 है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके सभी के सभी जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद जो हमारे पास एक नया नंबर आएगा, अगर वो नया नंबर 3 से डिवाइड करता है तो हम कहेंगे जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, इज 596412 डिविजिबल बाय 3। तो ये जहाँ पर जो सम होगा इसके डिजिट्स का वो कितना होगा, 5 + 9 + 6 + 4 + 1 + 2 इट इज़ इक्वल टू 27। एंड 27 हम सबको पता है इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इज़ 895415 डिविजिबल बाय 3। अब इस नंबर के जितने भी डिजिट्स है सभी को प्लस कर दो, 8 + 9 + 5 + 4 + 1 + 5, तो हमारे पास आता है 32। और हम सब जानते हैं जो 32 है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब जो गिवन नंबर है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तब करेगा अगर हम उसके डिजिट का जितना भी सम बनेगा, जैसे सभी डिजिट्स को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो नया नंबर आएगा, अगर वो नया नंबर 9 से डिवाइड करता हुआ तो हम कहेंगे जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इज़ 654219 डिविजिबल बाय 9। देखो ये जो नंबर है इसके जितने भी डिजिट्स हैं सभी को प्लस कर दो, 6 + 5 + 4 + 2 + 1 + 9, आ गया हमारे पास 27। और 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब जो गिवन नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 9। सेकंड एग्जांपल देखिए, इज 543792 डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स देखो इसके कितने होंगे, इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं सभी को प्लस कर दो, 5 + 4 + 3 + 7 + 9 + 2, हमारे पास आता है 30। और हम सब जानते हैं 30 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिवाइड नहीं करेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।